राजधानी देहरादून में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवी आपसी पुरुषोत्तम ने बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, जबकि सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल की 3-लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जबकि 884 टेबल लगाई गई है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि दोपहर 1 से 2 बजे तक परिणाम घोषित कर दिए जाएं। उत्तराखंड में और पूरा भारत देश में 4 जून को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उत्तराखंड में क्योंकि पोस्टल बैलेट ज्यादा है, सो 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी। तत्पश्चात 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग शुरू होगी। हमारे पास लगभग 1 लाख पोस्टल बैलेट वोट से, उसके बाद ईवीएम का जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 58% पोलिंग हुआ है। सो सारी हमारी जो पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, और पुलिस हमने 3-टायर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है, आउटर पेरीमीटर, मिडिल पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर। इनर पेरीमीटर में सेंट्रल पैरामिलिट्री रहेगी और आउटर सेकंड पेरीमीटर में हमारे स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी।